हेलो दोस्तों भाइयों बुजुर्गों कैसे हैं आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे मिट बिशी इलेक्ट्रिक के इन्वर्टर एसी के रिमोट को कैसे चलाया जाता है इस बारे में सारा कुछ डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको मजीद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि कैसे आप अपने मिट बिशी इलेक्ट्रिक ए को किन किन मोड्स पर कैसे कैसे चला सकते हैं इस सब के बारे में चलिए चल के जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहले रिमोट को हम इसके कवर से बाहर निकाल लेते हैं ये कवर दीवार पे लगाने के लिए होता है ठीक है और एक छोटी सी बात आपको मैं बताता चलूँ रिव्यू स्टार्ट करने से पहले फ़ीचर्स बताने से पहले कि ये मिट सौ बिशी एलेक्ट्रिक का औरिजनल रिमोट औरिजिनल और को पहचाना यहाँ से जाता है कि इसके बैक पर आपको ये इम्पोजिंग हुई नज़र आएगी ये लिख वर्डिंग लिखी है ना ये लाइनें लिखी हुई हैं ये इम्पोज हुई हैं उर्दू में कहें पंजाबी में कहें तो खुदाई हुई है खुदाई करके ये लिखी गई है ठीक है तो दोस्तों कंपनी ने आप लोगों की आसानी के लिए सबसे अच्छा काम जो मेरी नज़र में किया है वो ये है कि आम से आम सादे से सादा आदमी भी इस ए के रिमोट और फीचर्स को समझ सके तो उन्होंने ऊपर इधर एक दो तीन चार पाँच ये पाँच साइन कंपनी ने बना दिए हुए हैं ऊपर ही अब इन साइंस का मतलब आपको बताऊंगा मैं और आप इजीली समझ जाएंगे कि इस एसी को चलाना कैसे है ठीक है सबसे पहले तो ए के रिमोट को करना है ऑन ये ऑन कर लिया दोस्तों ठीक है अब ये एरो ये जो एरो है ना एरो नज़र आ रहा है आपको ये आप करीब से देखें ये एरो स्क्रीन के अंदर ये एरो जो कि इस वाले निशान को जो है बता रहा है कि मैं इस सिंबल के नीचे हूँ ये एरो की सारी गेम है ठीक है ये एरो चलेगा कहाँ से इस मोड वाले बटन से ये एरो चल रहा है अब तीसरे के नीचे चला गया चौथे के नीचे चला गया पाँचवें के नीचे चला गया ठीक है पाँचवें के नीचे खैर नहीं जाता पाँचवें का बटन ही इधर अलहदा बना दिया है ये उसे ऑन करेंगे तो एक और एरो उसके नीचे आ जाएगा ठीक है अब इन सारे जो सिंबल्स हैं इनका मतलब क्या है ये आपको आसान अल्फाज में मैं समझा देता हूँ ठीक है दोस्तों ये भी उन्होंने बता वो सिम्बल्स इधर भी उन्होंने समझा दिए इधर ऊपर लिखा भी है ये जो है ना ये ये जो साइन है इसका मतलब है ये जो साइन है नंबर वन इधर इसका मतलब है कूल cool. इस पर आप ए को रखेंगे ये देखें मोड को चला के ला के तो इस पर रखा है ना एरो के निशान को तो इस अगर इधर है तो इसका मतलब है ये ए कूल मोड पे है ए को ऑन करते ही आपने मोड अगर ये सेट किया है तो समझ लें कि ए कूल मोड पे है कूल cool मतलब कि कूलिंग करेगा हीटर नहीं चलेगा सिर्फ कूलिंग करेगा और कूलिंग कैसे करेगा ये उसके टम्परेचर के लिए दिए हैं बटन ये लिखा है टू वार्म यानी बहुत ज्यादा गर्मी है तो आपको फुल तेज से लाना चाहते हैं तो इसे आप दबाई जाए इधर 16 पे आके ये रुक जाएगा 16 से ज्यादा ये नीचे नहीं आएगा इस पर यह सबसे ज्यादा कूलिंग करेगा सोलह पे आके सबसे ज्यादा कूलिंग करेगा ए सी टेम्परेचर सोलह अबल तो अचीव ही नहीं होता कोशिश करें बिजली बचाने के लिए पच्चीस से छब्बीस पर ए को रखें ठीक है और इधर लिखा है टू कूल तो ये टू कूल लिखने का मतलब ये नहीं कि बहुत सर हाँ इसका लिखने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर बहुत सर्दी है तो अगर आप हीटर चला रहे हैं तो आप इसे दबाएंगे तो जितनी ज़्यादा सर्दी होगी इसे दबाते जाएंगे तो ये इतना ज़्यादा हीटर तेज़ होता जाएगा यानी टेम्परेचर ऊपर लेके जाएंगे तो हीटर तेज़ हो जाएगा तीस पैंतीस चालीस की तरफ जाएंगे तो हीटर तेज़ होता है नीचे लाएंगे तो हीटर स्लो होगा जबकि कूलिंग मोड में अगर आप इसे ऊपर ले के जाते जाएंगे तो उतनी कूलिंग कम करता जाएगा ठीक है ये होगी सादा अल्फाज में आप लोगों के लिए इस टू वाम और टू कूल बटन की तफसील अब दोस्तों इस मोड को दोबारा अगर हम दबाएँ तो ये आ गया इस साइन के नीचे ये जो साइन है ना ये आप ड्रॉप का साइन देख रहे हैं कतरे का निशान इसके नीचे ये एरो का सिंबल आ गया है इसका मतलब है कि अब आपका एसी जो है ड्राई मोड पे चलना स्टार्ट हो गया है ड्राई मोड पे चल के वो करेगा क्या आपके रूम में जो नमी का तनासब ह्यूमिडिटी का लेवल है उसे कम करना शुरू कर देगा जब वो कम करेगा तो आपको ऑटोमेटिकली कंफर्टेबिलिटी फ़ील होगी गले में पसीना वगैरह चिपचिपापन फील नहीं होगा और ये सारा कुछ होता है 20 जुलाई से लेकर 20 सितंबर तक पाकिस्तान में ह्यूमिडिटी लेवल चूके हवा में बहुत ज़्यादा होता है उसे कम करने के लिए ये मोड़ चलाया जाता है और काइंडली तीन घंटे से, का से ज्यादा इस मोड़ को ना चलाएं डॉक्टर जिसे ज्यादा रिकमेंड नहीं करते क्योंकि नमी का तनासब अगर हवा में जरूरत से ज़्यादा कम भी हो गया तो वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है सांस लेने में दुशारी और गले में खराश वगैरह फेस करनी पड़ सकती है इस तरह की प्रॉब्लम्स तो ये सूरज का निशान आप ऊपर देख रहे हैं सूरज का सिंबल ये इसका मतलब है हीट ये इधर भी बना हुआ है इसका मतलब है हीट अब एसी चला गया है हीटिंग मोड पे इधर एसी हीटर में चले जा चलेगा सर्दियों में ये हीटर बन के चलेगा ठीक है और इसे आप जितना ऊपर ले जाएंगे बाईस हीटर और तेज़ हो गया तेईस और हीटर तेज़ हो गया चौबीस और हीटर तेज हो गया पच्चीस और हीटर तेज़ हो गया, तेज गया, तेज गया। यानी फुल तेज़ हीटर उनतीस तीस इक्तीस बत्तीस तक आप तेज़ हीटर चला सकते हैं और उतनी ही ज़्यादा बिजली फूकेगा ठीक है वो आपने अपने उधर उस वक्त सर्दी के हिसाब से इसका टेम्परेचर सेट करना है कि कितना तेज़ आपने चलाना है अब तो समझ आ गई कि सर्दियों में जब आप हीटर चलाएंगे तो जितना आप ऊपर लेके जाएंगे उतना हीटर तेज़ हो जाएगा जबकि गर्मियों में जब आप ए सी चलाएँगे कूल मोड पे तो जितना आप नीचे ले के आएँगे उतना ये ए सी ज़्यादा तेज़ कूलिंग करनी शुरू हो जाएगा समझ आ गई ठीक है उसके बाद अब तीसरा मोड है इसका ये ये पंखा बना हुआ है इधर भी ये पंखे का निशान है अब इस मोड के बटन को दबाना है तो ये हमारा एरो का निशान जो है ये आ गया इस पंखे के नीचे तो इस पंखे का मतलब क्या है इस पंखे के निशान का मतलब है फैन कि आपका ए फैन मोड में चला गया है फैन मोड क्या है फैन मोड में आपके ए का कंप्रेसर नहीं चलेगा सिर्फ और सिर्फ पंखा चलेगा और बिल्कुल पंखे जितनी ही बिजली लेगा अगर आप हीटर भी नहीं चलाना चाहते अगर आप कूलिंग पर एसी को कंप्रेसर भी नहीं चलाना चाहते तो आप इस मोड पर रख के पंखे का मज़ा भी ले सकते हैं कम बिजली पे इस ए से तो इसका मतलब होगा कि ये एसी का पंखा चल रहा है ठीक है दोस्तों तीसरा पाँचवा इसका अहम मोड जो कि इस बटन इधर से तो मोड में आप उस पर नहीं जा सकते इस वाले साइन पर इसका मतलब है ई कूल इसका बटन यहाँ ये दिया गया है ठीक है ये बटन इसका दे दिया गया है इसको दबाएंगे तो एसी चला जाएगा ये ऑन भी होता है कूल मोड पर रखे ये कूल cool मोड पे रखेंगे एसी को इधर एरो को तो ये ई कॉनो कूल के मोड को आप ऑन कर सकते हैं इस बटन से वैसे ये बटन ऑन मोड ऑन नहीं होगा और इसकी खसूसियत ये है कि जू ही हम दोस्तों ई कॉनो कूल मोड के बटन को ऑन करेंगे कूलिंग पर रखते हुए ए को तो ये देखे ये बटन ऑन हो गया ये फीचर ऑन होने के बाद ऑटोमेटिकली दो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा वो दो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऊपर इसलिए गया है कि ये जो इकोनो कोनो मोड है ये एक इंटेलिजेंट मोड है ये टेम्परेचर को कम कर देगा रिमोट से और बिजली ज़्यादा से ज़्यादा बचाएगा मगर आपको परफॉर्मेंस जो है छब्बीस पर ही चौबीस वाली देगा क्योंकि कूल मोड में पहले हमारा ये रिमोट सेट था चौबीस पर तो चौबीस वाली परफॉर्मेंस ये देगा छब्बीस पर कंपनी इसे अपने अल्फाज में यह कहती है कि ई कूल मोड एक जहीन दर्जा हरारत कंट्रोल खसूसियत है जो कमरे में तकसीम होने वाले हवा के बहावों को हवा के आउटलेट दर्जा हरारत के मुताबिक एडजस्ट करती है दर्जा हरारत की तरतीब को कमरे के आराम में बगैर किसी नुकसान के दो डिग्री बढ़ाया जा सकता है ये तोनाई की कारकरी में बीस फीसद अजाफे के बराबर है यानी इस मोड को ऑन करने से एक तो कूलिंग आपको बेहतर मिलेगी और बीस परसेंट मजीद बिजली आप बचा सकते हैं इस ई कूल के मोड को ऑन करने से ठीक है दोस्तों ये हो गया ई कूल आप इस बटन की बात कर लेते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है फ़ैन तो इसका मतलब है ये बटन से आप फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा तेज़ या उससे मिनिमम स्पीड पर ले के आ सकते हैं ये आप देखें ये बिल्कुल इसका मतलब है कि फ़ैन जो है इसकी स्पीड बहुत स्लो है बिल्कुल ज़ीरो स्पीड पर चल रहा है इसे आप दबाएंगे तो और तेज़ हो गया फिर इसे दबाएंगे और तेज़ इधर मैक्सिमम फैन स्पीड हो जाएगी फुल तेज़ ये आप ऊपर देख सकते हैं और पाँचवें नंबर पे जब एक दफ़ा और दबाएंगे तो ऊपर ये एक निशान आ गया ये काउंडा का निशान है इसका काउंडा फीचर है उसका निशान है वैसे तो ये जो सिंबल है ये जो लोगो है ये जो साइन है ये साइन होता है वूल का मगर मिट्स बिशी इलेक्ट्रिक में ये दिया गया है काउंडा फीचर का ठीक है इसे दबाने से क्या होगा ये जब आएगा ना तो इसमें क्या होगा कि ए की जो फैन स्पीड है ये ऑटो पर चली जाएगी यानी कि खुद ब खुद ज्यादा और तेज होगी और ए हवा देगा टोर्नेडो जैसी और टॉर्नेडो जैसी हवा कैसे देगा वो मैं चल के वैन वाले भी आपको बताता हूँ ये वैन का बटन है ये वैन के बटन का मतलब है ये अब वैन को क्लिक किया तो क्या हो रहा है कि जो ए की जो ब्लेड है स्विंग ब्लेड ये ऊपर नीचे ऐसे हवा फेंक रही है ऊपर से नीचे ऊपर नीचे ब्लेड चल रही है इसे आप दबाएंगे तो ये आ गया ए की जो वर्टिकल वैन है ये ऊपर खड़ा हो गया ताकि डायरेक्ट हवा आना पड़े फिर उस नीचे अवा खानी है फुल गर्मी में है तो ये बटन दबाना है ये और नीचे और नीचे इसका ब्लेड आता जाएगा ये फुल नीचे इसका ब्लेड आ गए, खड़ा हो गया ज़मीन की तरफ हवा देगा अब एक फीचर है इसमें तो ऑटोमेटिक हो गया ऊपर नीचे इसमें ये भी आ जाता फिर फीचर इसमें भी कौंडा उस पर भी कौंडा रखें इस पर भी कौंडा रखें तो बड़ा मज़ेदार हूँ मैं टेम्परेचर होता है कंफर्टेबल किस्म का ये है क्या इस पर ये कौंडा का फीचर इसका लोगों का मतलब है कि अब ये जो ए की जो वर्टिकल ब्लेड है ये एक खास एंगल में ख़ास पोजीशन में सामने को खड़ी हो जाएगी बिल्कुल सामने को थ्रो देगी मगर वो आपको ऐसे लगेगा कि वो सामने को थ्रो दे रही है मगर वो सामने को थ्रो नहीं दे रही होगी हवा का बल्कि वो रूम में हवा का थ्रो इस तरह देगी जैसे तूफान आ रहा होता है सामने आपके तूफान आ रहा है और तूफान चल रहा है तो उस तूफान में से आने वाली हवा आपको जो आएगी उस तरह की फीलिंग आपको मिलेगी इस मोड से यानी डायरेक्ट आपके जिस्म पर हवा नहीं आएगी थ्रो जिससे कि आप बीमार हों बल्कि ऐसे आपको हवा आएगी कि रूम के चारों कोनों से हवा लग के आप तक आ रही है और थ्रो भी आएगा इस तरह का कंफर्टेबल जो है माहौल आपको हवा का कमरे में मिलेगा इसे कहते हैं ये कौंडा फीचर ये मिट सौ के स्पेशल फीचर्स हैं दोनों कौंडा ठीक है दोस्तों रह गई बात ये नीचे वाले तीन बटनों की ये है सेलेक्ट सेलेक्ट पे आप क्या करेंगे ये टाइमर के बटन है इसे आप ना इस्तेमाल करें इसे ऐसे दबाएं और ऐसे ही बंद कर दें दो दफा दो दो दबाने के बाद क्योंकि इसे आप सेट करेंगे तो इधर आप अगर गलत सेट कर लेंगे आपको समझ में नहीं होगा तो इसी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ तो एक घंटे बाद बंद हो जाएगा यहाँ तीन घंटे बाद बंद हो जाएगा क्योंकि इसमें फीचर दिए गए हैं कि दो घंटे तीन चार पाँच फिर नीचे फिर उसी तरह कि आप एसी को टाइमर पे सेट करेंगे कि कितने घंटे ये चले आप उसे हुक्म देकर चले जाएंगे उतने घंटे चलने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा ये है टाइमर फीचर इसे आप ना ही छेड़े तो बेहतर है क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि एक रेगुलर आदमी इसे इस्तेमाल नहीं करता वो खुद ए आके ऑन करता है और बंद कर लेता है ठीक है इसकी तफ्ली वीडियो चाहेंगे तो मैं इनशाला बना दूँगा अगर तो गलती से आपका ये फ़ीचर ऑन हो जाता है ये टाइमर वाला तो आपको समझ नहीं लगती है सी आपका ऑटोमेटिकली कुछ घंटे चलता है बंद हो जाता है इस तरह करने लगता है तो आपने क्या करना है ये रीसेट का एक बटन है ठीक है ये छोटा सा सा एक सुई लेनी है और रीसेट के बटन को दबा देना है इससे क्या होगा कंपनी अपनी फैक्ट्री सेटिंग पे वापस चला जाएगा ये सारे टाइमर वाइमर खुद ब खुद ऑफ हो जाएंगे ए सी को रिमोट बंद करके ऑन करेंगे तो सारे फीचर्स आप दोबारा से ख़ुद सेट करेंगे कोल्ड मोड हीट मोड ड्राई मोड जहाँ भी आपने रखना है तो वो आपका टाइमर वाइमर ऑटोमेटिकली हर चीज़ क्लोज हो जाएगी ठीक है दोस्तों सो तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का अल्लाह हाफिज़